जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बना मन मोहे गरबा लगाए। नैनों में बदरा छाए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो मैंने गाने गाए थे ये ओल्ड फिल्म के थे, और शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके मम्मी पापा को ज़रूर पता होगा, क्योंकि उस ज़माने के ये बहुत ही फेमस सॉन्ग्स थे। आपके लिए मैं गा देता हूँ नए फिल्म का सॉन्ग। पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के अखिया न चोर उड़ गए, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, रांझना ना आया। अखा दा नूर देख के, अखा दा नूर देख के अखिया न चोर उड़ गए। तो आपको समझ में आया होगा कि ये भी नए फिल्म का सॉन्ग है, लेकिन इसकी ट्यून और उसके पहले के गाने की ट्यून सेम ही है, क्योंकि इसके राग जो है लिए हुए है वो एक ही राग है, जो एक ही राग पर बेस है वो है राग भीमपलास। भीमपलास पर आधारित ये सारे गाने हैं, इसलिए मैं आज आपको राग भीमपलास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। राग भीमपलास जो है वो काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है, इसलिए इसके जो दो स्वर है वो कोमल है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था कि राग काफ़ी में ग और नी ये सुर कोमल लगते हैं, इसलिए उस थाट से उत्पन्न होने की वजह से भीमपलास राग में भी ग और नी स्वर कोमल लगते हैं, गंधार और निषाद ये स्वर कोमल लगते हैं। आइए जानते हैं इसका गान समय। इंडियन ट्रेडिशन में हमेशा गाने के समय को लेकर बहुत ही सीरियसनेस देखा गया है, तो कोई भी राग आप किसी भी दिन या फिर किसी भी समय नहीं गा सकते हैं, इसलिए हर एक राग का जो है गायन समय निश्चित किया गया है। तो भीमपलास राग का गायन समय है दोपहर, दोपहर में आप ये राग गा सकते हो। इसका वादी स्वर है मध्यम, मध्यम इसका वादी स्वर है, और संवादी स्वर है सा यानी षड्ज, षड्ज इसका संवादी स्वर है। तो आइए जानते हैं इसका आरोह और अवरोह। नीसा गम पनीसा, इसके आरोह में हम रे और ध ये सुर जाते वक्त नहीं लगा सकते, यानी आरोह में नहीं लगा सकते, लेकिन आते वक्त इसके सारे सुर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति हो जाती है औडव संपूर्ण, यानी जाते वक्त पांच स्वर और आते वक्त सारे स्वर, इसके लिए इसकी जाति हो जाती है औडव संपूर्ण। फिर से मैं दोहरा देता हूँ इसका आरोह। नी सा ग म प नी सा, ये है इसका आरोह। अभी अवरोह सा नी द प म ग, फिर से इसका आरोह देखेंगे। नी सा ग म प नी सा, सा नी द प म ग रे सा। आशा करता हूं कि ये आपको
आरोह अवरोह और इसकी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि राग भूपाली का छोटा ख्याल सरगम गीत, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए आप राग भीमपलास की इंफॉर्मेशन लिख लीजिए और इसके आरोह अवरोह की रोज प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।